मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हर वर्ग इस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। नौकरी करने वालों को उम्मीद है कि सरकार टैक्स में छूट दे सकती है। खबर निकल कर ये आ भी रही है कि आगामी बजट में 30 लाख सालाना कमाने वाले लोगों को टैक्स में छूट सकती है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 30 लाख सालाना से कम कमाने वाले को टैक्स में छूट दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो इन लोगों की मौज ही मौज है। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं परवरिश विद प्रभा सिंह। 23 जुलाई दिन मंगलवार 2024 को देश का आम बजट आने वाला है। बजट 2024 के मद्देनजर देश के अलग अलग सेक्टर अपनी अपनी मांगें रख रहे हैं। साथ में इनकम टैक्स की दरों को लेकर कई प्रस्ताव सुझाए जा रहे हैं। इस बजट में किसानों के लिए भी वित्त मंत्री एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपये सालाना उनके खातों में सीधे भेजे जाते हैं, जिससे उनकी आंशिक आर्थिक मदद हो सके। बजट में किसानों के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान। मीडिया सूत्रों की माने तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों की 6,000 सालाना आर्थिक मदद को बढ़ाकर 8,000 की जा सकती है। आज के समय में जिस रफ्तार से महंगाई की मार बढ़ रही है, ऐसे में सरकार के इस कदम से देश के किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। बजट के पहले कई कृषि एक्सपर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले, जिसमें उन्होंने किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 करने की मांग की थी। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो देश के गरीब किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। बजट 2024 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा और रसोइया के लिए भी हो सकता है बड़ा ऐलान। इसके पहले बहुत से यूनियन संघ के पदाधिकारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मिलकर आंगनबाड़ी आशा और रसोइया के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को रखा है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को श्रमिक का दर्जा दिलाने की मांग की है। इस महंगाई के दौर को देखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को जो भी मानदेय दिया जाता है वो बहुत ही कम है। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को श्रमिक का दर्जा भी दिया जाता है तो उस हिसाब से भी इनका मानदेय सम्मानजनक बढ़ सकता है। इस महंगाई के दौर में घर गृहस्थी चलाना इन 6-7 हजार रुपए में बहुत ही भारी हो गया। जैसा कि सरकार को पता है, महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका और स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली आशा बहनें, एमडीएम का खाना बनाने वाली रसोइया बहनों का मानदेय अत्यधिक कम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा के मानदेय को बढ़ाने के लिए कई बार संसद में भी मुद्दा उठाया गया। यूनियन के द्वारा दिया गया आंगनबाड़ी आशा और रसोइया बहनों के मानदेय संबंधी प्रस्ताव को अगर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण पास करती हैं तो आंगनबाड़ी आशा बहनों की भी हो सकती है बल्ले बल्ले। बजट 2024 की हर खबर को जानने के लिए बने रहें परवरिश विद प्रभा सिंह के साथ।